पीलीभीत के बिसलपुर कोतवाली क्षेत्र अज्ञान वाहन ने मारी टक्कर जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टिकरी माफी निवासी कुलदीप पुत्र जसवंत सिंह अपने दोस्त के साथ रूरिया निवासी सूर्य प्रताप सिंह पुत्र सुरेंद्र पाल सिंह व दीपक पुत्र खेमकरण लाल कटवारा के साथ रात्रि लगभग 11 बजे बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर बिसलपुर पीलीभीत रोड स्थित एक बारात घर से शादी समारोह में शामिल होकर अपने गाँव वापस जा रहे थे। जैसे ही पकड़िया मंगली भट्टे के पास पहुंचे वैसे ही किसी अज्ञात वाहन ने बुलेट मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त लगी जिससे बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर बिसलपुर कोतवाली पुलिस ने घटना स्थल पर पहुंचकर 3 शवों को कब्जे में लेकर जिला मुख्यालय पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वहीं 3 की मौत से उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अंकल क्या नाम है आपका? रंधपाल सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? रूरिया से। ये घटना घटी क्या है पूरा मामला भी है? जी घटना घटी क्या है मामला पूरा? ये बारात में गए थे बच्चे, खाना वाना खा के आ रहे थे। कहाँ पर घटना घटी है? पकड़िया से भट्टे पर। कई लोग थे गाड़ी पे? 3 होंगे, ये 3 थे। क्या क्या नाम है? सूर्य प्रताप, दीपक और कुलदीप। 3 की डेथ हो गई मौके पे। जी आप कौन है? मैं सूर्य प्रताप का फादर हूँ। देखिए ये थाना क्षेत्र बिसलपुर में कल रात्रि की घटना है जिसमें कि एक मोटरसाइकिल पे 3 युवक जा रहे थे। ये बताया जा रहा है कि किसी शादी फंक्शन को ये अटेंड करके जा रहे थे और हमारी पीआरवी जब गश्त में थी तो इनको ये पीआरवी को ये लोग एक्सीडेंट के बाद बिसलपुर से जो पीलीभीत रोड आती है उसी रोड पर ये पड़े हुए मिले थे। इनका एक्सीडेंट हुआ था जिसमें किसी अज्ञात वाहन द्वारा बताया जा रहा है कि इनसे इनकी टक्कर मार के इनकी एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 2 युवकों की वहीं मौके पर ही मृत्यु हो गई थी और एक को सीएससी रिफ़र किया गया था जहां पर उसकी डेथ हो गई। इसमें उनके परिवारीजनों को सूचना कर दी गई थी और उनके द्वारा तहरीर मिलने पर हम लोगों ने इसमें अभियोग पंजीकृत कर दिया है। जो मृतक हैं उनका पंचायतनामा भरवा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और इसमें जो अज्ञात वाहन जिसे टक्कर हुई है उसके बारे में हम लोग साक्ष्य संकलन कर रहे हैं और इसमें आगे हम पूरी तरह से वैधानिक कार्रवाई कर आगे के लिए जो भी इसमें अज्ञात वाहन है और जिस तरह से इस जो भी इसके घटना हुई है उसका आगे हम लोग अनावरण कर इसमें कार्रवाई करेंगे।